Yo, what is up, Clashers? Ankush here. So guys, कैसे हो सभी लोग? आई होप सो अच्छे होंगे एंड खेल रहे होंगे Clash of Clans. तो गाइस आपको पता होगा जब हमारी सीरीज चलती है तब हमारा जो ओपोनेंट होता है वो हमारे टाउन हॉल 10 के बेस को एकदम से क्लियर कट करके थ्री स्टार कर देता है. बट आज इस वीडियो में आपको तीन ऐसे बेसिस देने वाला हूँ जिससे आपका जो ओपोनेंट होगा ना ही आपके बेस पे थ्री स्टार कर पाएगा ना ही टू स्टार. तो गाइस कैसे कौन से वो बेस है जिसमें वजह से आप स्टे करके रख सकते हैं अपनी सीरीज को, एकदम एंटी बेसिस है और आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ. ठीक है, तो गाइस रेडी है ना? फुल टू लास्ट तक वीडियो को देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आप बेसिस को कॉपी भी कर सकते हो एज इट इज. ठीक है, अगर चैनल पे नहीं हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करोगे एंड वीडियो को लाइक करोगे एंड नोटिफिकेशन घंटी बटन भी दबा देना. तो चलो ज़्यादा देरी ना करके फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से बेसिस हैं. तो गाइस आई होप सो कि आपको तीनों के तीनों बेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे और वहाँ से आपने एक ना एक बेस को सिलेक्ट कर लिया होगा अपने बेस के लिए. तो गाइस अगर आपको टाउन हॉल 13 के लिए भी कुछ ऐसे ही बेस ही चाहिए बहुत मस्त जहाँ पे जो हमारा ओपोनेंट है वो थ्री स्टार और टू स्टार ना कर पाए, तो आई बटन में लिंक है वहाँ पे क्लिक कर लो. टाउन हॉल 13 के भी आपको तीन बेसिस मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और करंटली मैं भी वो बेसिस यूज़ कर रहा हूँ गाइस और मेरे को भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तो आप भी लगाओ, आप भी वैसे ओपोनेंट के बेस को थ्री स्टार करो बट वो आपके बेस को थ्री स्टार नहीं कर पाएंगे. तो मिलते हैं आपको ऐसी हो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और प्यारी प्यारी बेस स्ट्रेटजिक वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड पीस आउट. प्यार की एक कहानी, एक धड़का, एक तिलक की दीवानी, वो भी हंसने